वो भी इतना खूबसूरत सब्सक्राइबर मिल जाए तो बनता ही क्या है। यहाँ पे भाई साहब देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर जो है वो ये देखो गिरा हुआ है और ये पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ पड़ा। देखो ये हालात है यहाँ के, तो ये पूरी एक तरह की मौत है। और उधर वाली जो पहाड़ के किनारे किनारे वाली जो सड़क है वो पूरी की पूरी लगातार बंद पड़ी है और बड़े बड़े पत्थर जो है वो रोड के किनारे आए हुए पड़े। ये देखो 30 रुपए की जो मैंने पन्नी ली थी वो बहुत ही ज्यादा काम आ रही है यार। हर जगह मतलब पन्नी बिछा के सो जाओ, कहीं पे भी जगह नहीं मिली ऊपर नीचे सीट नीचे कहीं पे भी आप पन्नी बिछा के सो जाओ। और 2 नाइट तो मैं दीमापुर रेलवे स्टेशन पे सोया, वहां पे भी मेरे बेड बनाने के लिए काम आई। तो उसने मतलब धीरे धीरे चैन खोलने की कोशिश की तो मुझे पता चल गया, तो मैंने कहा इसको खोलने दो, ये जब फोन निकालने की कोशिश करेगी तब इसका हाथ पकड़ूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको खोलने दो। तो जैसे ही उसने मतलब चैन खोली और धीरे धीरे मतलब अंदर से वो आईफोन निकाल, मेरा थोड़ा क्या ये वाला लोअर पहना हुआ थोड़ा सा आईफोन डाला तो वो टाइट था, तो धीरे धीरे वो निकलने लग रहा था ऐसे मतलब थाई के ऊपर, मुझे पता चल रहा है कि भाई अब मोबाइल धीरे धीरे निकल रहा है, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों पिछले 2 दिन से हॉस्टल में पैक पड़ा हुआ था, आज थोड़ी सी सड़कें जो है वो सूखी हुई है। पिछले 2-3 दिन से इतनी भयंकर बारिश हो रही है, मैं भी गलत टाइम पे जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सीरीज लेके आ गया। भाई साहब मुझे इतना पता नहीं था कि कंटिन्यू बारिश तो होगी, मुझे पता था लेकिन कंटिन्यू 2-2-3-3 दिन चलेगी इतना मुझे मालूम नहीं था, लेकिन क्या करें। तो अभी मुझे, मैं हूँ अभी फिलहाल नागालैंड की राजधानी कोहिमा के अंदर, और अब कोहिमा से मुझे वापस दीमापुर निकलना है और दीमापुर से फिर आगे निकलेंगे। और अभी बस का कोई ठिकाना नहीं है, क्या पता शाम के बज रहे हैं 3 है ना, तो 3:30 बज गए हैं। दीमापुर का जो रास्ता बस के हिसाब से तो 3 घंटे का है। अब देखते हैं कोई लिफ्ट वगैरह लूँगा और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन अब फटाफट यहाँ से निकलना है। आज थोड़ा जाके मौसम जो है वो सूखा सूखा लग रहा है, 2-3 दिन तो पड़ा पड़ा अंदर बोर ही हो गया, ऐसे लग रहा है कि किसी जेल के अंदर हूँ मैं, मतलब मन ही नहीं लग रहा था यार। और ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के, हेलो। और अभी आगे निकलते हैं भाई, ये चौराया है और इधर की साइड मुझे जाना है, पैदल पैदल निकलते हैं और देखते हैं क्या होता है भाई आगे, आगे का क्या सीन बनता है। यहाँ तो भाई साहब एकदम बहुत ही तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है, सिंगल लाइन बनी हुई है लगातार ही। इधर से स्कूल की बस आई है और ये लगातार यहाँ पे देख सकते हो आप गाड़ियाँ रुकी हुई है, लेकिन एक ठीक है ओवरटेक कोई भी नहीं करेगा, अगर ओवरटेक करने की कोशिश की आगे गया तो वो खुद फंस जाएगा, सामने से गाड़ी आ जाएगी और फिर साइड में लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो इसीलिए लाइन से चलते हैं सब लोग। पूरा कंटिन्यू जाम लगा हुआ है, एक तरफ पार्किंग एरिया होता है यहाँ पे और एक तरफ चलने का एरिया है, इतनी सी सड़क है। तो यहाँ का यही सिस्टम है भाई नागालैंड का। और आज थोड़ा सा मौसम खुला है, फिर भी बारिश भी कभी भी हो सकती है, लेकिन अच्छा हुआ भाई आज मौसम थोड़ा सा खुल गया है, लेकिन वो भी अब जाके शाम के टाइम। आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, शाम तक पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। 70 किलोमीटर है कोहिमा से दीमापुर, देखते हैं यार किसी लिफ्ट मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। चलो ना? चलो भाई स्कूटी के ऊपर लिफ्ट। काफी बारिश होती है यहाँ पे है ना, बहुत ज्यादा हो रही है बारिश पे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए भाई नागा हॉस्पिटल कोहिमा, तो ये नागा हॉस्पिटल कोहिमा है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। अच्छा, और ये यहाँ की भाई झोपड़पट्टियाँ देखिए कैसे बंबुओं पे खड़ी है, और ये शहर के नज़ारे, और सामने देखो नज़ारा तो भाई साहब ये दिख रहा है एकदम अंधेरा अंधेरा होने लग रहा है, पहाड़ों के ऊपर पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं, कहीं वापस से बारिश स्टार्ट नहीं हो जाए भाई साहब। अरे ये पूरा एकदम 3 बजे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 बजने लग रहे हैं, और यहाँ तो कुछ जल्दी ही अंधेरा तो वैसे होता ही है। सामने भाई आपको दिख रही है कोहिमा सिटी, कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना ये देखिए, और बादल देखो साहब भाई साहब, ओए होए होए होए, बिल्कुल घरों के टच हो रहे हैं बादल, मतलब बादल से घर ऊपर है। कोहिमा सिटी के जो है वो अंतिम दर्शन कर लेते हैं खूबसूरत प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ में, फिर आगे निकल जाएंगे, आगे ऐसे नज़ारे नहीं मिलेंगे अपने को। दीमापुर जो है वो नीचे मैदानी इलाके के अंदर आ जाता है और ये कोहिमा ऊपर पहाड़ों में है, और चर्च वगैरह बहुत सुंदर लग रहे हैं यार। तो अभी
फिलहाल भाई गाड़ी जो है वो इस प्रकार की मिल चुकी है, पूरी ओपन गाड़ी है और काफ़ी तेज़ी से चल रही है। शाम के 4 बजने लग रहे हैं और ये गाड़ी जो है वो डायरेक्ट दीमापुर तक जाएगी। देखते हैं क्या होता है आगे की क्या हालात बनते हैं। फिलहाल अंधेरा ही होने लग रहा है भाई 4 बजे, तो पूरा ये इस प्रकार का नज़ारा चल रहा है। दो भाई जो है वो और साथ में हैं। अब टेंशन ये है कि बैग जो है वो नीचे तो कैसे रखेंगे, पूरा गंदा ही गंदा है नीचे देख सकते हैं, और इतने भारी भरकम जो है वो बैग को लेके 2-2.5 घंटे खड़े तो कैसे रहेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ उनको जुगाड़ बिठाएंगे। नीचे मेरे पास वो है पॉलीथीन, उसको नीचे डाल के ऊपर बैग डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। भाई वो वहाँ पे सामने गाड़ी खड़ी है, रोक दी है बीच में, मतलब थोड़ी बहुत ही चली है। ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि भाई जो है वो हमने सुबह से चाय नहीं पी है, पता नहीं कोई काम वर्क कर रहे होंगे। तो अभी एक छोटी सी जो है होटल है इस प्रकार सी, उसके ऊपर बनी हुई, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लड़कियाँ काम कर रही है। तो सब जगह होटल हो, चाय बनाना हो, सब जगह हो, तो यहाँ पे ये ड्राइवर साहब जो है वो चाय पीते हैं। मैं तो हालांकि पीता नहीं हूँ, तो अब चलते हैं आगे। ये है हमारे ड्राइवर साहब जो है वो यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय पार्टी कर रहे हैं। और ये इस प्रकार सी खूबसूरत सी होटल है, और बरसात के वजह से ये तिरपाल जो है वो साइड में खींचा हुआ है। दीदी अंदर पानी नहीं आता क्या इसमें बरसात में? हिंदी आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो बढ़िया है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। पानी पूरी भी मिल रहे हैं। वैसे पानी पूरी की रेट क्या है? 10 का 4 वहाँ ऊपर तो 20 का 6 दे रहे हैं। 20 का 6 मतलब 10 का 3। अच्छा तो आप सस्ता दे रहे हो ना। तो भाई दीदी जो है वो पूछ रहे हैं चैनल का नाम, एक सब्सक्राइबर तो बढ़े कम से कम। वो भी इतना खूबसूरत सब्सक्राइबर मिल जाए तो बनता ही क्या है। तो आप दोनों सिस्टर्स हैं? रियल सिस्टर? ओह लीजिए मैं बता देता हूँ आपके ना यात्रा नेट इज वेरी स्लो। जिस गाड़ी के भाई मैं पीछे खड़ा था वो गाड़ी जा रही है आगे, और अभी मैं इन्हीं के साथ में जो भाई है उनके साथ में मैं बैठ चुका हूँ अपनी गाड़ी। कुछ ये इस प्रकार से है। भाई आपका नाम क्या? राहुल। राहुल कहाँ से हो आप? मैं तो आसाम से हूँ। अच्छा आसाम से हो ना। हाँ रहता तो दीमापुर में। अच्छा रहते दीमापुर में। तो राहुल जी के साथ अब आगे की जर्नी करेंगे। पीछे खड़े रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी यार वहाँ पे, मतलब इतना भारी बैग लेके कंधे पे खड़ा रहना काफी मुश्किल हो रहा था। तो ये भी जा रहे थे साथ ही, तो उन्होंने मेरे को राहुल जी के साथ में बिठा दिया। तो अब यहाँ से जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। भाई मजा आ गया। अभी राहुल जी जो है वो ड्राइविंग लाइन के अंदर है और आसाम से है, तो नागालैंड में काम करते हैं। ये गाड़ी इनकी खुद की है और बस सब्जी लाने का, अंडा वगैरह, अंडा सब्जी और क्या भरते तो मिल जाए ट्रांसपोर्ट कुछ। अच्छा थोड़ी रोड काफी खराब है यहाँ पे, देखिए इस प्रकार की आपको रोडें मिलेगी, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, तो भाई साहब पूरा धुंधला धुंधला हो गया। गिर जाता है। अच्छा हर साल टूटता है ये? अभी नहीं पहुंच गया इसका। अच्छा बारिश होगा ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाएगा। हां लैंडस्लाइड होगा फिर आएगा ये गिर जाता है। अच्छा ओए होए होए लोग ऑल लोड लेके आए हैं सामने के लिए नहीं। हां अभी वेट करेगा, रात का 2 बजे में निकलेगा उधर से। अच्छा धीरे धीरे निकलना पड़ेगा, जब सारा खाली होगा तब निकलेगा। उसका बहुत ज्यादा लोड है, सकेगा। हां वो ट्रक सामने खड़ा है भाई, वो चढ़ नहीं पाएगा अभी, इसीलिए वो साइड में रोक दिया है ना। हाँ, वो रोक दिया। अच्छा तो अब वो रात को चढ़ेगा 2 बजे? रात का 2 बजे। अच्छा रात खाली हो जाएगा तो वो निकलेगा। हाँ पूरा धीरे धीरे निकलना, नहीं तो अभी तो जाम लग जाएगा। अभी वो थकेगा ही नहीं। अच्छा अभी वो इधर से जाने का कोशिश करेगा तो उसका लाख रुपया का चुना लगेगा, गाड़ी का सब कुछ जल जाएगा। हाँ जल जाएगा, ओवरलोड है ना। ओवरलोड है और नाइट में थोड़ा ठंडा भी रहता है, तो गाड़ी ठंडी ठंडी चढ़ जाएगी। ये हाईवे देखो आप, 4 लेन है, लेकिन फिलहाल इस साइड वाला जो 2 लेन है वो लगातार आपको दीमापुर तक बंद ही बंद मिलेगा, कहीं बीच बीच में चलता हुआ मिलेगा नहीं तो लगातार लगभग बंद ही मिलेगा लैंडस्लाइड की वजह से। मानसून के अंदर इस सड़क का बहुत ही ज़्यादा हालत यहाँ पर ख़राब ही मिलती है, और लगातार आप आसपास देख सकते हैं जो सड़क का काम जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन लगातार लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे हुए, ये देखो ये 2 लेन तो पूरी साइड में से बंद पड़ी है, आगे भी देखना आप। ये देखिए साइड में काम जो है वो चल रहा है, हटाने का काम चल रहा है ताकि ये वापस जो है वो सड़क चालू हो जाए, तो भाई 4 लेन हो जाए, लेकिन फिलहाल ये 2 लेन ही है जी। बहुत सारे घूमते हुए यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि भाई बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर नक्सली जो है वो हरकतें बहुत ज्यादा होती है, तो आपको लगातार
जो है वो फौजी तैनात मिलेंगे। और आप अगर नॉर्थ ईस्ट का प्लान कर रहे हैं भाई मानसून के समय, तो बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद बहुत ही कम टाइम के अंदर वापस निकलने लग रहा हूँ। बरसात और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बरसात हो जाते हैं तो बाहर तो निकल ही नहीं पाते हैं, कोई वीडियो शूट तो वैसे भी नहीं होता है, घूमना तो बिल्कुल ही बंद है, मार्केट वगैरह बरसात में तो पूरा जाम ही हो जाता है पूरा, तो कोई मतलब नहीं है। और ये है फोर लाइन की हालत फिलहाल, जो है वो इधर गाड़ियाँ जो है वो चलने लग रही है, ये पूरा बंद, आपको लगातार पूरा बंद ही मिलेगा, और पूरा गारा कीचड़, बड़े बड़े पत्थर आपको नीचे रोड पे आए हुए दिखेंगे। ये हालत अभी फिलहाल बनी हुई है मानसून में, रोड का लगातार काम चल रहा है। मानसून में नॉर्थ ईस्ट तो घूमना बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं। हालांकि नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्या करें, बारिश में पानी में बहुत खराब ही रहता है मामला। टू स्टार पुलिस था एक, अच्छा वो स्पॉट डेड हो गया। अच्छा लैंडस्लाइड में वो पूरा ऊपर आ गया पत्थर, है पत्थर टूट के उसको ऊपर में गिर गया सीधा। अच्छा, ये तो एक तरह का मौत है, मतलब मानसून में तो कोई गारंटी नहीं है सर कुछ, कोई आप जितना भी अच्छा से चल लो। हाँ, हम रोड पे तो अच्छे से चल लेंगे, लेकिन जो ऊपर से आने वाले पत्थर उनको थोड़ी रोक पाएंगे, बहुत रिस्क। और बोलेरो के ऊपर भी गिर गया था, बोलेरो का ऊपर में गिरा उस दिन, तो अंदर वाले खत्म हो गए होंगे, मर गए होंगे। ये तो बहुत जख्म हो गया, मारा तो नहीं है। अच्छा, वेगनर वाला तो स्पॉट में खत्म हो गया। और हैरियर का ऊपर में गिरा, उसमें भी बस गया, हैरियर हैवी है, टाटा कंपनी का गाड़ी है। पत्थर गिरा है वो, मतलब वो पिचक गई, लेकिन वो अंदर वाले को कुछ नहीं हुआ है ना, सामने से लाइफ रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर जो है वो ये देखो गिरा हुआ है, और ये पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ पड़ा, देखो ये हालात है यहाँ के, तो ये पूरी एक तरह की मौत है। और उधर वाली जो पहाड़ के किनारे किनारे वाली जो सड़क है वो पूरी की पूरी लगातार बंद पड़ी है, और बड़े बड़े पत्थर जो है वो रोड के किनारे आए हुए पड़े, ये देखो भाई साहब पूरे अंदर ही अंदर बिखरे हुए पड़े, ये देखो आगे आगे और देख सकते हो आप लोग, ये वाला देखो इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे आए हुए हैं, पूरे पहाड़ी बिखर जाते हैं क्या राहुल, ये देखो ये तो इधर तो पूरा पहाड़ बिखर गया, ये देखो ये हालात है। अगर वहाँ पे अब गाड़ी हो तो वो इंसान मरेगा सीधा, उस दिन गिरे ना बोलेरो में यही में। हाँ, ये देखो लगातार पूरी सड़क पूरा पहाड़ नीचे, देखो ये हालात है भाई। तो भाई ये भाई और लोग देखो ये जा रहे हैं गाड़ी लेके, और अपने को यहाँ तक दीमापुर तक लिफ्ट दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। और एक सवा एक घंटे के अंदर भी इन्होंने छोड़ दिया, और अब मुझे पहुंचना रेलवे स्टेशन, जस्ट 20 मिनट बाद मेरी जो ट्रेन है वो निकल जाएगी, नहीं तो फिर रात को वापस 10 बजे पहुंचनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता है रेलवे स्टेशन, चलते हैं। कितना मांग रहा है, है? 30-30 रेलवे स्टेशन, 20-20 कर लो ना दादा, चलो 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 ठीक है, चलो पीछे सीट है क्या, अच्छा पीछे नहीं है ना, चलो मैं उधर बैठता हूँ, चलो भाई रिक्शे के अंदर बैठते हैं यार, आ बैठो दादा, मेरे क्या थोड़ा भारी है बैग, हाँ पड़ा, हाँ हाँ। उन भाइयों ने भाई रेलवे स्टेशन से कम 7-8 किलोमीटर दूर उतारा था, तो फिर वहाँ से टैक्सी लेके आ रहे थे, और कम से कम 6 किलोमीटर तो आ गया, लेकिन अब 1 किलोमीटर यहाँ से रेलवे स्टेशन बचा है, और गाड़ी तो वैसे भी निकल चुकी है, ट्रेन तो वो अब नहीं पकड़ पाएंगे 5:30 बजे वाली, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, और ये धीरे 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 1 किलोमीटर पार करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो मैंने कहा भाई मुझे, मैं उतर जाता हूँ धीरे धीरे, मार्केट घूमता घूमता निकलूँगा, और खाना वाना खाएंगे कहीं मारवाड़ी होटल पे शुद्ध शाकाहारी, और फिर रात को 10 बजे ट्रेन है गुवाहाटी के लिए, वो पकड़ेंगे जो 3 बजे छोड़ेगी सुबह, देखते हैं क्या होता है, चलते हैं भाई। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, और मैं खाना भी शुरू कर दिया, फिर याद आया भाई थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँ, 120 रुपये में अनलिमिटेड चाहिए, जितना मर्जी हो उतना खा सकते हो, कितनी अच्छी थाली है।
और स्वाद भी एक नंबर है भाई साहब। कितनी सारी देखो एकदम सब्जियां वगैरह चावल सब कुछ ले सकते हो, तो 120 रुपए में अनलिमिटेड। पूरी रात इस बेड पे सोता रहा और गुवाहाटी आ चुका भैया उतर के नीचे। सुबह के बज रही है 4 और पहुंच गया हूं गुवाहाटी। 30 रुपए की जो मैंने पन्नी ली थी वो बहुत ही ज्यादा काम आ रही है यार। हर जगह मतलब पन्नी बिछा के सो जाओ, कहीं पे भी जगह नहीं मिली, ऊपर नीचे सीट नीचे कहीं पे भी आप पन्नी बिछा के सो जाओ। और 2 नाइट तो मैं दीमापुर रेलवे स्टेशन पे सोया, वहां पे भी मेरे बेड बनाने के लिए काम आई। तो वाकई यार ये 30 रुपए तो मेरे लिए बहुत वरदान साबित हुए यार। गुवाहाटी स्टेशन पर भाई सुबह के 6 बजने लग रहे हैं। 2 घंटे थोड़ी अच्छी सी नींद आ गई थी और अभी मेरे साथ एक बहुत ही बुरी घटना होने वाली थी, लेकिन भगवान की कृपा से और थोड़ी मेरी अवेयरनेस के कारण मैं बच गया। और लाखों का नुकसान हो सकता था, लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना था, मेरा आईफोन जाने वाला था। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैं ढंग से क्लियर करता हूँ, थोड़ा आगे जाके मैं कहीं खड़ा रह के आपको पूरी बात बताता हूँ। देखिए एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा कि रात को 10 बजे मैं बैठा था दीमापुर से गुवाहाटी के लिए, सुबह 4 बजे गुवाहाटी पहुँच गया था। खतरनाक नींद आ रही थी और जनरल कंपार्टमेंट या आप देखा ही होगा उसके अंदर भी मैं नीचे ही सो रहा था, वो ऐसे पॉलीथीन बिछा के, ठीक है। फिर वहाँ पे नीचे उतर कर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही मैंने वापस वही पॉलीथीन बिछा के बैग को ऐसे सिर के नीचे रख के, बड़ा वाला ये जो बैग है इसको साइड में रख के, और मैं सो गया, ठीक है। तभी मतलब 10-15 मिनट बाद में एक 15-16 साल की एक बच्ची आई, मतलब इधर की साइड एक आदमी सोया था, मेरे और उस आदमी के बीच में थोड़ा सा गैप था, तो उसने उसी का फायदा उठाया। मुझे लगा कि बच्ची है नींद आ रही है, ऐसे बाल बाल बिखरे हुए थोड़ी ऐसे ही हूँ, आके आके एक्टिंग कर रही थी भाई मेरे को नींद आ रही है। मुझे बोला भैया जी क्या मैं यहाँ पे सो सकती हूँ, ये थोड़ी सी जगह चाहिए। मैंने कहा बेटा सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, सोना तो है ही है, सभी सो रहे हैं, तू भी सो जा। लेकिन भाई देखो ट्रैवलिंग के अंदर कुछ इतना तो सीख लेते हैं, कुछ इतनी तो वो कहते हैं ना अवेयरनेस आ जाती है कि कुत्ते वाली नींद बन चुकी है आजकल मेरी तो। तो अगर शरीर के ऊपर भयंकर भी नींद हो तो भी अगर मक्खी भी बैठती है तो भी एकदम नींद जग जाती है। कुत्ते वाली नींद समझते हो ना, ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत भी हरकत होती है नींद जग जाती है। तो मतलब एक पॉकेट के अंदर मेरा डाला हुआ था एंड्रॉयड वाला फोन सैमसंग का, और एक पॉकेट के अंदर डाला हुआ था लड़की वाली साइड की तरफ मेरा आईफोन डाला हुआ था जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, अभी इससे शूट हो ही नहीं पाता। फिर उसने थोड़ी जल्दबाजी कर ली, मैं तो वैसे उसने मेरे को जगा ही दिया था, 15 मिनट ही हुए मेरे को सोए हुए, तो उसने धीरे से एक मेरे मतलब ऐसे पॉकेट के हाथ लगाए, तो मैंने सोचा अनजान में लग गया होगा, मैंने मतलब ज्यादा ध्यान दिया नहीं, मैं मेरे वापस अपने सिर के ऊपर वो आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा हुआ ऐसे वो टॉवल डाल के ऐसे सो गया। तो उसने मतलब धीरे धीरे चैन खोलने की कोशिश की तो मुझे पता चल गया, तो मैंने कहा इसको खोलने दो, ये जब फोन निकालने की कोशिश करेगी तब इसका हाथ पकड़ूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको खोलने दो। तो जैसे ही उसने मतलब चैन खोली और धीरे धीरे मतलब अंदर से वो आईफोन निकाल, मेरा थोड़ा क्या ये वाला लोअर पहना हुआ थोड़ा सा आईफोन डाला तो वो टाइट था, तो धीरे धीरे वो निकलने लग रहा था ऐसे, मतलब थाई के ऊपर मुझे पता चल रहा है कि भैया मोबाइल धीरे धीरे निकल रहा है। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, फिर इस पूरे कांड को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। RPF को बुलाया, उसी लड़की को मतलब मैं पकड़े रहा, काफ़ी भीड़ जमा हो गई और RPF को मैंने सुपर्द किया। लेकिन हालांकि RPF वालों को भी पता ही होता वो अब क्या ही करेंगे, डरा धमका के भेज दिया होगा, उससे क्या ही लेंगे। लेकिन वो पिक पॉकेटर थी भाई, आज मेरा आईफोन जाने वाला था। और हालांकि रोजाना मैं क्या करता हूँ कि मेरे दोनों फ़ोन को जो है वो इस बैग के अंदर डाल के ऐसे ऊपर कवर वगैरह लगा के फिर मैं रख के सोता हूँ, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है। जेब के अंदर कुछ भी नहीं रखता हूँ मैं, 10 रुपये भी नहीं रखता हूँ। तो ट्रैवलिंग के दौरान कुछ इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि मतलब हम लोग सीख जाते हैं कि भाई कैसे अपने को सेफ रखना है, कैसे क्या रखना है। जो ज्ञान किताबों से नहीं मिलता है वो ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो हम सीखने लगते हैं, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक हजारों खोपड़ियाँ मिलती है, ऑटोमेटिक अपने को पता चल जाता है कि भाई आगे वाला गुस्सा है, राजी है, अपने से क्या चाहता है। चाहे अपने को कहीं लैंग्वेज नहीं आ रही हो तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि भाई वो बंदा क्या चाहता है अपने से, ये कोई अपने साथ चालाकी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सब ऑटोमेटिक ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग सीखते हैं। तो भाई इस नॉर्थ ईस्ट सीरीज को यहीं खत्म करते हैं, आगे आने वाले वीडियो जो है वो कहीं आप अलग देखने वाले हैं। अभी तक मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, कैसा माहौल रहेगा, कहाँ का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वो एक सरप्राइज ही रहेगा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होने वाली है। तो ठीक है, आप बने रहिए चैनल के ऊपर और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी वाले नागालैंड के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है नागालैंड ट्रिप की।
तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाए मैंने, लेकिन बहुत भी और भी अच्छे और डीपी डीप में गाँव में जाने वाला था, लेकिन क्या करें मानसून के अंदर मैं गलत टाइम पे नॉर्थ ईस्ट आ गया। लैंडस्लाइड, झरने, पानी, पहाड़ और बहुत कुछ, मतलब खतरा ही खतरा है ना पहाड़ों के अंदर मानसून के समय में, तो जाना ही नहीं है। एक जगह तो यहाँ पे मतलब वो पूरा जो गाड़ी निकलने वाला ओवर ब्रिज है वो पूरा का पूरा टूट गया, मतलब जाम हो गया, कनेक्टिविटी टूट गई, तो ऐसी जो है वो सिचुएशन बन जाती है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, देखते हैं कहाँ की होती है। तब तक आप बहुत सारे वीडियो डाले हुए आप देखिए। ठीक है भाई, आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।